सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक की सरकारी कीमत 1170 मार्केट में 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन की सरकारी कीमत 460 मार्केट में 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुख्तलिफ इकसाम के अनार 200 से 600 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। शकील, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा दिन सूरत हाल की बात की जाए तो सब्जियों और फलों दोनों की तरफ जो है वो कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। एक जानब सरकारी कीमतों में हल्का फुल्का इजाफा होता है तो दूसरी जानब आम मार्केट भी महंगी होने लगती है। बात करें सब्जियों में अदरक, सब्जियों में जो अदरक है वो मार्केट में 1400 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है, जबकि सरकारी कीमत में अदरक जो है वो 1170 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। लहसुन आम मार्केट में 600 जबकि सरकारी कीमत में 460 तक चला गया है। इसके साथ दीगर सब्जियों में बात करें जिसमें टिंडा 240 और मटर जो है वो 240 से 320, और इसके साथ बात की जाए गाजर और गोभी जो है वो 160, उसके साथ टमाटर 120, हरी मिर्च 160 तक पहुँच गई है। आलू 100 और प्याज 90 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसके साथ बात की जाए फलों की, फलों में अंगूर, सेब और अनार की कीमतें जो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ क्वालिटी अंगूर जो हैं वो 400 से 600, मुख्तलिफ क्वालिटी के सेब 200 से 350 रुपये फी किलो तक, जबकि मुख्तलिफ क्वालिटी के और अकसाम के अनार जो हैं वो 200 से लेकर 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फल बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं, जबकि सब्जियों की कीमतों में दोबारा से इजाफा जो है वो शहरियों को खासा परेशान करने लगा है। शकील, बहुत शुक्रिया।